शहर के विभिन्न चौराहों पर होलिका माता की प्रतिमाएं स्थापित हो गई हैं। मुहूर्त के अनुसार देर शाम होलिका दहन किया जाएगा। काशी में होली पर्व की धूम है। शहर में काफी रौनक है। जगह जगह रंग गुलाल की दुकानें सजी हुई हैं। वहीं होलिका दहन हेतु शहर के विभिन्न चौराहे सज गए हैं, जहां होलिका माता की गोद में भक्त प्रहलाद को लिए प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। वहीं बाजे गाजे के साथ हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा क्षेत्र गूंज रहा है। इस वर्ष माता होलिका की अद्भुत झांकी सजाई गई है, जहाँ गोहरी का ज्यादा उपयोग किया गया है। वहीं होलिका दहन करने वाले युवक ऋषि गुप्ता ने बताया कि जो लोग होलिका में कूड़ा फेंक देते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। लकड़ी हटा दी है, लकड़ी से प्रदूषण होता है, इसीलिए लकड़ी हटा दी है। हम लोग गोहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और होलिका में किसी भी तरीके का गंदे प्रकार का चीज फेंकना मना हो गया है। जिसका गंदगी वो सब हम लोग हटा दिए हैं। प्रदूषण हमको हटाना है, इसीलिए गोहरे से हम जला रहे हैं इस बार होलिका माता। इतना विशाल मूर्ति आप लोग लगाए, क्या संदेश दे रहे हैं? बस अपनी अपनी श्रद्धा है होलिका माता के प्रति, और कोई बात नहीं है सर। अच्छा, तो कितना खुश हैं आप लोग इस बार होली पर? बहुत खुश हैं, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि कोरोना के बाद इस बार आप लोग होली बड़े अच्छे तरीके से मना रहे हैं। हाँ। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत एकदम वृद्धि बल महसूस कर रहे हैं कि हम लोग के मोहल्ले में इतनी बड़ी होलिका माता की प्रतिमा आई हुई है, इसीलिए बहुत एकदम खुशी महसूस हो रहा है हम लोग। आगे से आप लोग लकड़ी बिल्कुल बंद करेंगे? एकदम बंद कर देंगे, लकड़ी नहीं जलाएंगे। किसी प्रकार का गंदा चीज, कपड़ा व्यवहार, कोई चीज गद्दा वद्दा कुछ नहीं जलाएंगे, इससे प्रदूषण होता है। तो सरकार से क्या मांग करेंगे कि अगर जो लोग गंदा चीजें फेंकते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए? अरे कार्रवाई की जाए, इसीलिए कैमरा लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गंदा चीजें फेंकना मना है, जुर्माना है। अगर कोई करने पे 500 रुपए जुर्माना है, क्यों न फेंके? किसी का श्रद्धा नहीं है तो वो फेंकेगा तो फिर वो अपना भुगतेगा।